आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की ओर से दो अर्जी दायर की गई है। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की है। दूसरी अर्जी में उन्होंने 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका लेने से मना कर दिया था। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ईडी ने अपनी आपत्तियां पेश की है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा वह हिरासत में नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वे आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी सेहत ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनके आचरण के कारण उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा है। ईडी को अंतरिम और नियमित दोनों जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करना होगा। अब केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 1 जून 2024 को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने 7 दिन अपनी जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि 1 जून 2024 को खत्म हो रही उनकी अंतरिम जमानत को 8 जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि यह 7 दिन की जमानत उन्हें स्वास्थ्य चेकअप करवाने के लिए चाहिए। वहीं आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कैमरे पर केजरीवाल ने लिखकर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें आएगी, वहीं बीजेपी की 200 से कम सीटें आ रही है। उन्होंने यह बात लिखकर दी है, कागज पर उन्होंने साइन भी किए हैं। सेहत की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि जेल के अंदर 7 किलो वजन कम हो गया था, अभी भी वजन कम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, 2 तारीख को मैं सरेंडर करूंगा। यह समझने की जरूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिन तक ही खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। यह नीति अब समाप्त कर दी गई है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।